हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज सचिन कुमार मित्तल और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अभी तक हमने यूनिट वन कवर कर ली है, जिसमें हमारे एंटायर जो सिलेबस है वो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर को एक्यूटिव क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दी यूनिट सेकंड। जैसे फर्स्ट यूनिट हमने तीन पार्ट में पूरी कवर कर ली है, ऐसे ही हम यूनिट सेकंड में भी 14-15 क्वेश्चंस के थ्रू तीन पार्ट में इसे भी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं यूनिट टू का सिलेबस हमारा, हल्का सा इसका आइडिया ले लेते हैं। वैसे वी विल गो थ्रू दी क्वेश्चंस, देन वी विल कम टू नो। यूनिट सेकंड में जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग दी हार्मनी इन दी ह्यूमन बीइंग। बेसिकली एक वर्ड होता है सेंटिएंट आई एंड मटीरियल बॉडी। बेसिकली ह्यूमन बीइंग दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक उसका जो फीलिंग है, सेंटिएंट मीन्स की द फीलिंग द ब्रेन बेसिकली, तो मेंटल स्टेट है, आई बोलते हैं जो सेल्फ है, जो सेल्फ होता है उसे आई बोलते हैं, जो मेंटल स्टेट है। मटीरियलिस्टिक बॉडी मीन्स की जो हमारी फिजिकल बॉडी है। हम इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या क्या इनकी नीड है, क्या इनके बीच में कनेक्शन होता है, यही सब हम पूरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। यू कैन गो थ्रू वंस, एक बार आप इसका पूरा ये देख सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा। What do you mean by सुख एंड सुविधा? What are the consequences of confusing between सुख एंड सुविधा? Why do human beings require both सुख एंड सुविधा, happiness and facility? Basically, ये question 2018-19 में आया था। मेरे एंगल से आप देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। अगर सिर्फ ये पूछता है 2 marks में सुख एंड सुविधा क्या है, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है। अगर ये फर्दर भी पूछता है, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा सा लेंदी बनाना है विद रेस्पेक्ट टू वट एवर इज आस्क इन द क्वेश्चन पेपर। चलिए सुख एंड सुविधा देखिए, समझते हैं। सुख आप समझते हैं, सुख इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। सुख रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर एंड कंटेंटमेंट। प्लेजर मतलब एंजॉय, हैप्पीनेस खुशी, एंड कंटेनमेंट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री, जो सेटिस्फेक्शन होता है। तो सुख क्या है बेसिकली? कोई भी ऐसा काम है जिसमें एफर्ट नहीं करना, आपने एक फीलिंग जनरेट हुई, उसकी वजह से आपको हैप्पीनेस क्रिएट हुई, दैट इज सुख। इट इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग वेयर एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जॉय, सेटिस्फेक्शन एंड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। जहां पे आपको आनंद, जॉय फील होता है, सेटिस्फेक्शन एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मतलब आपको पूर्ण रूप, अपने आप में पूर्ण फील होता है, पूरा महसूस होता है। सुख कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल रिलेशनशिप, अचीवमेंट, एक्सपीरियंसेस, मटेरियल पोजीशंस। इट इज सब्जेक्टिव एंड इमोशनल स्टेट ऑफ वेलबींग दैट कैन कैरी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बेसिकली ये क्या मतलब है इसका, कि जो सुख है बेसिकली वो काफी वेरियस सोर्सेज से जनरेट हो सकता है। जैसे हमारी पर्सनल रिलेशनशिप, हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हमें अंदर से हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी कि वी आर वेरी हैप्पी। सुख तो हमें वहां से सुख मिल रहा है। अचीवमेंट, हमने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, हमारे अच्छे स्कोर आ गए, हमने कोई स्पोर्ट्स में कुछ ट्रॉफी जीत लिया, हमने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से अचीवमेंट मिला, उससे एक फीलिंग जनरेट हुई, दैट इज नेम हैप्पीनेस और सुख। एक्सपीरियंस, हमारा कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, वहां पे आपने अचीव तो कुछ नहीं किया, लेकिन आप घूमने गए, लेकिन उस फीलिंग की वजह से आपको अंदर से बहुत सुख महसूस हुआ, हैप्पीनेस फील हुई, दैट इज ऑल्सो, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एज वेल एंड मटीरियल पोजीशन। और कभी कभी हमें जैसे फिजिकल फैसिलिटीज होती हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं, उन्हें एक्वायर करने के बाद भी खुशी मिलती है। जैसे हमारा एम है गाड़ी खरीदना, गाड़ी में टहलना, अपना एम है कोई हॉर्स राइडिंग करना, मान लीजिए घोड़ा आपने खरीद लिया, उस पर आप राइड कर रहे हो, दैट इज मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जिन्हें आप एक्वायर करने के बाद अंदर से आपको एक फीलिंग मिल रही है अच्छे वाली, दैट इज बेसिकली हो गया। चलिए अब हाँ, दिट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये अब हो सकता है कि मुझे कुछ दूसरा काम करके खुशी मिलती हो, अलग से एक फीलिंग आती हो हैप्पीनेस की, किसी दूसरे को कुछ और करके आ सकती है, हो सकता है, तो वो वेरी टू वेरी, बेसिकली पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर सकती है। सुविधा देखते हैं, सुविधा क्या होती है सिंपल, अगर हम नॉर्मली सोचें सुविधा क्या होती है, सुविधा इज सिंपल क्या, एक संसाधन है, रिसोर्सेज है, एक फैसिलिटी है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम सुख को अचीव कर सकते हैं। सुविधा इज बेसिकली ए फैसिलिटी, रेफर्स टू कन्वीनियंस, कंफर्ट और फैसिलिटेशन। इट इज ईज और कन्वीनियंस विद विच ए टास्क और एक्टिविटी कैन बी कैरीड आउट। मतलब आपको ऑफिस जाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक सुविधा है कि आपके पास कार है। मान लीजिए आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, उससे खुशी मिलती है, लेकिन उसके पास एक फैसिलिटी है, आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास पेन है, जिसके थ्रू आप गेम खेल सकते हैं। दैट इज जस्ट एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल, कि सुविधा क्या है, कि एक संसाधन है, रिसोर्सेज है, जो आपको सुख देने में एक माध्यम का काम कर रहे हैं, मीडियम का काम कर रहे हैं, दैट इज सुविधा। सुविधा ऑफन इंप्लाइज विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास घर है, आपके पास कार है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो सब आपका आता है सुविधा में। सर्विस हो सकता है, फैसिलिटीज दैट मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट। मान लीजिए आप घर से ऑफिस जाना है, आपको किसी भी जगह जाना है, आप जाते नॉर्मल भी सकते हैं, वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन एक सुविधा है आपके पास, एक कार की, एक गाड़ी की, बाइक की, साइकिल की, ये होती है बेसिकली सुविधा जो आपके काम को, आपकी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट बना देते हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू थिंग्स लाइक
इंफ्रास्ट्रक्चर, घर की हमने बात की, टेक्नोलॉजी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन और एनी अदर मीन्स दैट सिंप्लीफाई एंड एनहांस द डेली लिविंग. सुविधा इज अबाउट मेकिंग लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, हाँ इसका पार्ट था, हमें तीन पार्ट में एक्चुअली क्वेश्चन देखना है. पहला हम देख चुके हैं सुख एंड सुविधा क्या होता है, फिर हमको देखना है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा. व्हाट डू ह्यूमन बींग्स रिक्वायर बोथ, व्हाई डू ह्यूमन बींग रिक्वायर्स बोथ सुख एंड सुविधा, ये हमारा थर्ड पार्ट आने वाला है. अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा. मतलब आपने अगर सुख और सुविधा में कंफ्यूज हो गया, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए सुख एंड सुविधा में, आपने सुख को सुविधा समझ लिया और सुविधा को सुख समझ लिया, तो उसके क्या गलत परिणाम हो सकते हैं, उसके गलत रिजल्ट क्या हो सकते हैं, ये अब हम देखने वाले हैं. कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख, हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट एंड सुविधा, कन्वीनियंस और कंफर्ट कैन हैव वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल वेलबींग एंड डिसीजन मेकिंग. मान लीजिए कोई चीज हमें हैप्पीनेस के लिए करनी है, सुख के लिए करनी है, ठीक है, लेकिन आपने तो गलत परसेप्शन बना लिया है, आपने बना लिया कि मेरे को अगर मैं कार मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो अब आपने इसे कंफ्यूज कर दिया, बेसिकली हैप्पीनेस उससे नहीं मिलने वाली, दैट इज ओनली सुविधा. तो अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप एक गलत डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, मैं घर पे कोई भी अपना फैसिलिटी ले आता हूं, कोई भी हम सुविधा ले आते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, बट दैट इज नॉट द वे. समझे आप, चलिए पढ़ते हैं. मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, तो आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी. मान लीजिए कैसे, इफ वन कंफ्यूजेस सुविधा विद सुख, दे माइट प्रायोरिटाइज कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ओवर दियर एक्चुअल हैप्पीनेस. आपकी जो एक्चुअल हैप्पीनेस मिलने वाली थी, आपको जो सुख मिलने वाला था, वो अब उसके ऊपर आप क्या कर लोगे, आपने कंफ्यूज हो गए, आपको लगता है सुविधा ही सब कुछ है. मान लीजिए आपने सोचा सुविधा ही सब कुछ है, सुख नहीं, तो अब सुविधाएं आप उन्हें प्रायोरिटी दे दोगे कि मेरे को सारी सुविधाएं अपने लिए इकट्ठी करनी है जिससे मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन ये गलत है. सुख आपको सुविधा से नहीं मिलता है, सुविधा एक माध्यम है. सुख आपको मेंटली हार्मनी में जब आप रहते हो, मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस में जब आप रहते हो, तब आपको खुशी मिलती है, एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मिलती है. सुविधा से सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, एक टेम्परेरी टाइम के लिए एक आपको फीलिंग मिलती है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती. दिस कैन लीड टू ए लाइफ फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक पोजीशन एंड सुपरफिशियल कंफर्ट. मतलब इससे आप मटेरियलिस्टिक चीजों को एक्वायर करने में लग जाएंगे, अपनी सुख को छोड़ के, अपनी हैप्पीनेस को छोड़ के आप इन सब चीजों के पीछे लग जाएंगे, क्योंकि आपने प्रायोरिटी अपनी वो बना ली है, बिकॉज यू आर कंफ्यूज बिटवीन सुख एंड सुविधा विद नेग्लेक्टिंग द परस्यूट ऑफ मीनिंगफुल एंड फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस दैट ब्रिंग जेन्युइन हैप्पीनेस. सेकंड पॉइंट है सुपरफिशियल फुलफिलमेंट. परस्यूइंग सुविधा एट द एक्सपेंस ऑफ सुख कैन लीड टू ए शैलो और सुपरफिशियल सेल्फ ऑफ फुलफिलमेंट. सुपरफिशियल का क्या मतलब हुआ है यहां पे? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो सिर्फ आपको अंदर से एक्चुअल में फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगा कि अच्छा इससे तो मेरे को मेरी लाइफ सेटिस्फाइड है, आई एम वेरी हैप्पी, मेंटली पीसफुल लाइफ है, फुलफिलमेंट है, अंदर से पूरी रूप से पूरी तरह से भरा हुआ, मतलब आप एक हैप्पी हैं, बट एक्चुअली वो नहीं है, सुपरफिशियल है. सुपरफिशियल मीन्स कि जस्ट ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लग रहा है और आप उसी को सब कुछ सच मान लेंगे, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. मटेरियल वेल्थ एंड कन्वीनियंस कैन प्रोवाइड टेम्पररी सेटिस्फेक्शन. मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं, जो सुविधा है, वो सिर्फ आपको टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देती है, बट ट्रू हैप्पीनेस ऑफन कम्स फ्रॉम डीपर सोर्सेज सच एज रिलेशनशिप, पर्सनल ग्रोथ, परसुइंग वंस पैशन. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट. अननेसेसरी स्ट्रेस ले लोगे आप. देखिए मान लीजिए आप अननेसेसरी स्ट्रेस किसकी वजह से, आपने कंफ्यूज कर दिया, आपने मिसप्लेस कर दिया, आपने सुविधा को सुख समझ लिया, सुख को सुविधा समझ लिया. अभी अननेसेसरी स्ट्रेस क्या आपको लगता है कि जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हें मैं अपने पास लेके एक्वायर कर लूंगा तो मेरे को सुख मिलेगा. उस चक्कर में अभी आपका हो सकता है कि आप सब चीजें एक्वायर ना कर पाए, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे कि मेरे को ये एक्वायर करना है तो मेरे को सुख मिलेगा, ये वाला एक्वायर करते हैं ये, तो इस तरह से आप अननेसेसरी प्रेशर लेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, दैट इज व्हाई इट इज अननेसेसरी स्ट्रेस. ओवर एम्फेसाइज ऑन सुख कैन समटाइम्स लीड टू अननेसेसरी स्ट्रेस व्हेन इंडिविजुअल्स constantly seek happiness and pleasure sometimes at the cost of their well-being or well-being of others. This can result in impulsiveness, recklessness, poor decision making. आपने अगर confusing सुख and सुविधा can lead to poor decision making. कैसे? People may take choices based on the immediate convenience and pleasure without considering the long term consequences. मतलब आपने सोच लिया कि जो सुविधा है यही मेरा सुख है, ये temporary सुख को आपने सुख समझ लिया और उसके बेस पे आपने अपने सारे डिसीजन ले लिए कि नहीं मेरे को ये acquire करना है, materialistic चीजों पे ही focus करना है, ये सब करना है. आप real जो सुख आपको मिलने वाला था, जो रियल फुलफिलमेंट मिलने वाली थी, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो टेम्परेरी है, सुविधा के बेस पे ही आप डिसीजन ले लेंगे. दिस कैन बी डेट्रीमेंटल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ. मटेरियलिज्म, सेम चीज हम पढ़ चुके हैं. मटेरियलिज्म मींस कि आपने सुविधा को ही सुख समझ लिया, तो अभी क्या करोगे, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बन जाएगा आपका. आप सिर्फ क्या करने वाले हो, सारे जितनी भी मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं, जो भी चीजें हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, बाइक है, आपका जो भी चीजें मटेरियलिस्टिक है कि मेरे चार ऑफिस यहां पे हूं, सारी इस टाइप की चीजों में आप बिजी हो जाएंगे और इन चीज को सब कुछ मान के इनके पे फोकस करोगे तो आप मटेरियलिस्टिक इंसान बन जाओ. दिस कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम डीपर एंड मोर मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सच एज पर्सनल वैल्यूज, रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ. फिर आप ये सब चीजें भूल के, क्योंकि आप सुख समझ चुके हो कि मटेरियलिस्टिक चीजों में ही सुख है, तो आप उसी पर पूरा फोकस करोगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
अब इसका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आता है ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा, हैप्पीनेस एंड फैसिलिटी. सुविधा मीन्स फैसिलिटी, सुख मीन्स हैप्पीनेस. तो अभी ऑब्वियसली बात है, अगर आपको रियल में सुख चाहिए तो वो सुख मिल सकता है अगर वो बैलेंस हो. बैलेंस किस चीज का हो? आपका जो मेंटल बीइंग है, जो वेलबींग है, और आपका जो आप सुविधा, जो फैसिलिटीज है, जो कंफर्ट है, जो आपकी लाइफ को इजी बना रही है, उनका अगर बैलेंस है तो आप सुख एंड सुविधा के साथ सुख को भी आप अच्छे से अचीव कर सकते हो, जो कि एक लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग आपका फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, उसे आप अचीव कर सकते हो विद दी हेल्प, बाय यूटिलाइजिंग, प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ दी सुविधा. ह्यूमन बींग्स रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा. सुख मीन्स हैप्पीनेस या वेलबींग, एंड सुविधा मीन्स जो फैसिलिटी है, बिकॉज दीज टू एस्पेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड प्ले कॉम्प्लीमेंटरी रोल्स इन ह्यूमन लाइफ. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, सुख, और ये हमारा सुविधा. अब सुख क्यों चाहिए, हम दो पॉइंट में देखते हैं. सुख हमको क्यों चाहिए? सुख और हैप्पीनेस इज एसेंशियल फॉर अवर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. परसुइंग सुख इज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, एस्पिरेशन है किसी भी ह्यूमन बींग का, कि उसे सुखी रहना है, उसे हैप्पी रहना है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फुलफिलिंग द मीनिंगफुल लाइफ. इट इन्वॉल्व्स पॉजिटिव इमोशन, कंटेंटमेंट एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. विदाउट हैप्पीनेस लाइफ कैन फील एम्प्टी, एंड इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी. अगर सुख नहीं है, हैप्पी नहीं है इंसान, उसके वजह से वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से गुजर सकता है. सुविधा किस लिए चाहिए? सुविधा या फैसिलिटी रेफर्स टू प्रैक्टिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग. फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है हमारे? जो कि मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, या हमारी बॉडी की जो नीड्स होती हैं, जैसे खाना हुआ, ये भी एक फिजिकल एस्पेक्ट्स में आता है. इट इन्वॉल्व्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कन्वीनियंसेस एंड कन्वीनियंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट. सुविधा इंक्लूड्स बेसिक नेसेसिटीज लाइक शेल्टर. देखिए, शेल्टर मतलब आपका मकान हो, घर हो, क्लीन वाटर हो, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी. दीज कन्वीनियंसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेक डेली टास्क इजियर टू अकॉम्प्लिश. मतलब ये सिर्फ एक माध्यम है जो आपको हेल्प करते हैं सुख अचीव करने में, लेकिन आप इन्हें अगर सुख समझ लोगे तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. चलिए मूव करते हैं आगे. ये क्वेश्चन हमारा ओवर होता है, अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. हो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि सुख और सुविधा क्या होते हैं, सेपरेटली उन्हें देख लिया. अगर आपने कंफ्यूज कर दिया सुख को सुविधा के साथ और सुविधा को सुख के साथ, तो इसके बहुत ही गलत आपका डिसीजन मेकिंग हो सकती है, बहुत ही गलत रिजल्ट इसके हो सकते हैं, आउटकम हो सकते हैं. और फिर हमने देखा कि ह्यूमन बींग को बोथ सुख एंड सुविधा दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू बोलता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ द सेल्फ. हमने बोला था जहां पे भी आई आएगा वहां पे मतलब सेल्फ है. आई मतलब मेंटल वेलबींग, मेंटल जो आपका माइंड सेट है, बेसिकली एक जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, दैट इज सेल्फ. आई आर क्वालिटेटिव. एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ सेल्फ आर क्वालिटेटिव एंड द नीड्स ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटेटिव. मतलब जो आई, हम ह्यूमन बींग दो चीजों से मिलकर बना है, एक सेल्फ आई से मिलकर बना है, जो आपका ब्रेन है, जो आपका ये प्रोसेस है, आप क्या है बेसिकली अंदर से, प्लस आपकी जो फिजिकल बॉडी है. तो बोल रहे हैं कि जो आप सेल्फ आई है वो उसकी नीड्स क्वालिटेटिव होती है, नीड्स ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटेटिव. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूरे पूरे चांसेस आने के. मान लीजिए आप एग्जाम में है तो इसे कैसे अप्रोच करना है, ये भी हम देखने वाले. एनालाइज हाउ द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर कंटिन्यूस इन टाइम एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी व्हाइल दोज ऑफ बॉडी आर नॉट. मतलब क्वांटिटेटिव है, नहीं है ये, और ये क्वांटिटेटिव है. बॉडी की नीड्स क्वांटिटेटिव होती है और आई की नीड क्वालिटेटिव होती है. ये 14-15 में क्वेश्चन आया. चलिए देखते हैं, हम अलग अलग देखने वाले हैं. अब कैसे ये हमें अप्रोच करना है कि हमें क्वालिटेटिव कैसे होती है, क्वालिटेटिव जो आपकी नीड्स ऑफ द सेल्फ है वो क्वालिटेटिव है तो कैसे होती है, तो ये देखना है. फिर बाद में हम देखेंगे बॉडी की जो नीड्स होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, कैसे होती है. नीड्स ऑफ द सेल्फ आर क्वालिटेटिव. फर्स्ट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग. मेनी ऑफ अवर फंडामेंटल नीड्स आर ह्यूमन बींग, सच एज लव, बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ फुलफिलमेंट आर क्वालिटेटिव इन नेचर. मीन्स इसमें क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता. जैसे बिलोंगिंग्स, सेल्फ स्टीम, सेल्फ फुलफिलमेंट की कितनी क्वांटिटी में हो रहा है आपको, ऐसा नहीं है. इट शुड बी क्वालिटेटिव, इट शुड बी प्योर लव, प्योर बिलोंगिंग्स, प्योर सेल्फ स्टीम एंड द प्योर सेल्फ फुलफिलमेंट. तो ये क्वालिटी डिस्क्राइब करता है बेसिकली, द क्वालिटी, द ट्रस्ट. ट्रस्ट क्वांटिटी में नहीं हो सकता, कितना ट्रस्ट कर रहे हो आप, लेकिन क्वालिटेटिव में, यस आई ट्रस्ट दैट पर्सन, दैट फ्रेंड, तो एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट. दीज नीड्स आर रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स एंड इनर एक्सपीरियंसेस. जैसे कि नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिलेशनशिप बट ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ दोज रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल कनेक्शन बाय देम. मतलब क्या हुआ, आप 50 लोगों को जानते हो, 50 लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप का, सोसाइटी का, अलग टाइप का, और उसमें क्वालिटी नहीं है. मान लीजिए रिलेशनशिप में तो ट्रस्ट नहीं है, फायदा क्या है क्वांटिटी का होने का, कुछ फायदा नहीं है, प्योरली यूजलेस. तो इसमें अगर दो ही रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, दो ही दोस्त हैं आपके, लेकिन उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्वालिटी वाली बॉन्डिंग है, तो दैट इज मच मोर बेटर देन दी हैविंग नंबर ऑफ, यानी कि क्वांटिटी में बहुत सारे नंबर हैं वो वाला. अंडरस्टूड. सेकंड पॉइंट है पर्सनल वैल्यूज एंड मीनिंग. क्वालिटेटिव नीड्स आर ऑफन टाइड टू एन इंडिविजुअल्स पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स एंड सेंस ऑफ पर्पस. दीज नीड्स में इन्वॉल्व द परस्यूट ऑफ
मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ग्रोथ एंड ए सेंस. तो पर्सनल सेंस ऑफ मीनिंग, बेसिकली यहाँ पे सेंस ऑफ मीनिंग है. पर्सनल वैल्यूज एंड, तो जो आई मेंटल बीइंग है उसकी हम बात कर रहे हैं, नीड्स वो क्वालिटेटिव होती है. किस फॉर्म में? वो पर्सनल वैल्यूज और मीनिंग ऑफ लाइफ आपका क्या है उस पर रिलाई करती है. चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट है आपका सब्जेक्टिव और पर्सनलाइज वेलबींग. द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव नीड्स रिकॉग्नाइज दैट द पीपल हैव देयर यूनिक डिजायर्स एंड एक्सपीरियंस दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर सब्जेक्टिव वेलबींग. मीन्स कि आपका यूनिक इंडिविजुअल पर्सन का एक यूनिक डिजायर एंड एक्सपीरियंस है जो कि उसके वेलबींग होने का, मेंटली हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल नीड्स, तो मेंटल वेलबींग होने में जो कंट्रीब्यूट करती है. वाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट टू वन पर्सन मे नॉट नेसेसरली टू द सेम फॉर द अनदर. मींस सब्जेक्टिव और पर्सनलाइज वेलबींग का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है. नो डाउट ये क्वालिटेटिव नीड्स हैं, लेकिन कुछ लोगों की क्वालिटेटिव नीड्स अलग हो सकती हैं, कुछ लोगों की अलग हो सकती हैं. तो दैट्स व्हाई द पर्सन टू पर्सन मे वेरी. क्या उसके लिए हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस किसी के लिए कोई दूसरी चीज से हैप्पीनेस मिलती हो तो किसी के लिए किसी दूसरी चीज से मिल सकती. फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस. क्वालिटेटिव नीड्स आर ओफन कॉल्ड और मिक्सड विद कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसिटेड इंटरेक्शंस. मतलब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए क्वालिटेटिव नीड्स क्या है कि आप मान लीजिए कंफ्यूज हो गए डिसीजन लेने में कि आपको क्वांटिटी वाइज जाना चाहिए कि या क्वालिटी वाइज जाना. लेकिन जो क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव नीड्स की हम बात कर रहे हैं वो आपको एक्चुअल वाला फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली आप कहीं डिसीजन लेने में फंसे हुए हैं तो क्वांटिटी के बेस पे नहीं, आपको क्वालिटी के बेस पे लेना है. तो इनका आपका आपस में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, वहां पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. जैसे नीड फॉर ए मीनिंगफुल करियर इज नॉट जस्ट अबाउट द सैलरी. सैलरी आपको बहुत मिल रही है, मान लीजिए एक मीनिंगफुल अच्छा करियर है मेरा, लेकिन आप वहां पे सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा, अलाइनमेंट विद वंस वैल्यू जो कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. क्वालिटेटिव नीड्स क्या होती है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लाइफ में, वहां पे ग्रोथ हो आपकी, आपकी जो कोर वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आपका जो है अलाइनमेंट होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं, तब आप तब जाके आप बोल सकते हो यस. तो हो सकता है दो जॉब है जिसमें पैसे ज्यादा मिल रहे हो पर उसमें हैप्पीनेस नहीं है तो आप उसे नहीं चूज करोगे, लेकिन जिसमें थोड़े पैसे कम है, क्वांटिटी कम है, बट स्टिल आपको लगता है कि क्वालिटेटिव है, मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, मेरी वैल्यूज से ये मैच करता है, मुझे इसमें जाना चाहिए, तब उस केस में हम बोलते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच. तो अब हम उसी को फाइनल करने वाले. फिफ्थ पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ इनर डिजायर. हमारी जो इनर डिजायर है बेसिकली वही तो आई डिसाइड करेगा, जो आई सेल्फ है, जो मेंटल बींग है हमारा, थॉट प्रोसेस है. तो क्वालिटेटिव नीड्स रिफ्लेक्ट द फुलफिलमेंट ऑफ इनर डिजायर. वो ये बोलता है कि आपकी इनर डिजायर कौन सी डिजायर ऐसी हैं, क्या करने से आपको अंदर से फुलफिलमेंट फील होगा. सच एज परसुइंग वंस पैशन, फॉर्मिंग डीप एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप, लिविंग इन अकॉर्डेंस विद द वंस वैल्यूज. दीज डिजायर्स आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ वेलबींग एंड पर्पस. मतलब इनसे जो आप, हमने बोला कि क्वालिटेटिव जो नीड्स हैं, जो आई है बेसिकली सेल्फ है, वो आपको सेंस ऑफ पर्पस बताता है कि आपको क्या करने से रियल हैप्पीनेस मिलने वाली है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको कैसे इंप्रूव होने वाली है. तो लिविंग इन अकॉर्डेंस वन वैल्यू, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, फॉर्मिंग डीप एंड मीनिंग रिलेशनशिप एंड वंस पैशन, ये हमें बताने वाला है. नेक्स्ट मूव करते हैं. सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आता है, जो बोलता है कि नीड ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटेटिव. हमने फर्स्ट अभी क्या पढ़ा, नीड्स ऑफ द सेल्फ आई आर क्वालिटेटिव, ये हमने पढ़ना नीड्स ऑफ द बॉडी आर क्वांटिटेटिव. द कॉन्सेप्ट दैट नीड्स ऑफ द बॉडी आर, देखो बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट इसकी है, जो इसकी नीड है, वो हमेशा क्वांटिटी में आती है, पर सेल्फ की, आई की हमेशा क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव सजेस्ट दैट बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड. दीज नीड्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडीज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड ओवरऑल हेल्थ. दीज क्वांटिटेटिव नीड्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद टेंजिबल एंड मेजरेबल फैक्टर्स. बेसिकली इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव नीड्स हैं उन्हें आप मेजर नहीं कर सकते. किसी कोर वैल्यूज को के साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते मेजर. लेकिन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो मेजरेबल. जैसे ऑक्सीजन, हमें O2 चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए, हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके लिए, हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें वो चाहिए ऑक्सीजन. वो हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कितनी चाहिए. ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ए बॉडी विद द नेसेसरी ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन. ऑक्सीजन इनटेक इज क्वांटिटेटिव नीड दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड द ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड. टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर किसी रेंज में रहता है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में इतना आता है, डिग्री सेंटीग्रेड में इतना आता है. ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए फीवर हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर बेसिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो अप डाउन होता रहता है और जो प्रॉपर मेंटेन होना है वो. तो इसे हम क्वांटिटेटिव बोलेंगे क्योंकि क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो आप. चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, फिजिकल
एक्टिविटीज देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज आप पता है आपको क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ। क्या है फिजिकल बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको जिम जाना है, आपको योगा करना है, आपको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो आप फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होते हैं। समझ आया आपको? ठीक है, इसे हम आगे नहीं पढ़ेंगे। मेडिकेशन डोजेस, मतलब जो आप मान लीजिए कि आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मेडिकल कंडीशन के केस में बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमें स्पेसिफिक ये वाली टेबलेट खानी है, ये वाला मेडिकेशन लेना है, ये वाला फॉलो करना है, तो ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। रेस्ट चाहिए आपको, आप काम करते हैं थक जाते हैं आपको, फिर रात में 7 से 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे अलग अलग बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट। कैलोरी इनटेक, किसी कैलोरी किस लिए लेते हैं, कैलोरी फॉर एनर्जी, सो दैट हमारी बॉडी फंक्शन कर सके, वो भी क्वांटिटेटिव होती है। किसी की 2000 कैलोरी पर डे होती है रिक्वायरमेंट, किसी की 3000 होती है, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉडी टाइप ऑफ बॉडी, जिससे हमारा हेल्थ एंड बॉडी वेट अफेक्ट होता है। स्लीप, स्लीप हमें चाहिए, जैसे हमने रेस्ट बोला, रेस्ट में तो सिंपल आधे घंटे का आपने रेस्ट कर लिया, लेकिन स्लीप होता है जो प्रॉपर 6-7-8 घंटे का होता है, दैट इज दैट कम्स अंडर स्लीप। क्वांटिटी ऑफ स्लीप टू रेस्ट एंड रिजुविनेट, व्हाइल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स नीडेड कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज स्टिल ए क्वांटिफाइबल नीड। मतलब किसी को 7 से 9 घंटे की जनरली ये स्टैंडर्ड बोली गई है, बट इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। चलिए अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 1617 में आया है। ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी फिजिकल बॉडी है, उसका मेंटल बीइंग है, जो थॉट प्रोसेस है, जो उसका माइंडसेट है, वो एक अलग चीज है, वहां पे अलग थॉट प्रोसेस चलता है, जिसे आई बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं, और जो उसकी बॉडी है वो उसके साथ में एक ट्यूनिंग बनाती है, पूरा रिदम बनाती है, दैट इज हमारी बॉडी। चलिए ये देखते हैं कैसे करते हैं। 1617 सेम को एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया था 1415 में, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, क्या रिलेशनशिप होता है, ये सेम ही है, कोएग्जिस्टेंस या रिलेशनशिप। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स बॉडी, कि सेल्फ का यानी कि जो ब्रेन है, जो माइंड है आपका, मेंटल बीइंग है, उसका बॉडी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन आया था 1516 में, ह्यूमन बीइंग्स आर सम टोटल ऑफ सेंटीमेंट, सेंटीमेंट मतलब समझ में आया आपको, सेंटीमेंट मीन्स आई, आई मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स जो आपका मेंटल बीइंग है, माइंड सेट है, एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ एंड द बॉडी, एक्सप्लेन योर आंसर यूजिंग द एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अभी हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी एंड देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू, आई एंड बॉडी एग्जिस्ट टुगेदर एंड आर रिलेटेड। ऑब्वियसली बात है, मुझे मैं थका, मान लीजिए मैं, मेरे को थकान हुई, मैं काम किया, जस्ट आई गोट टायर्ड, तो मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया कि अब थक गए हैं, और उसने सिग्नल किसे दिया, ब्रेन को, कि अब थक चुके हैं। आप समझे, पानी की प्यास लगी है तो बॉडी ने बोला कि मेरे को जो है पानी की प्यास लगी है, तो ब्रेन ने सिग्नल दिया, और फिर आपने बॉडी इस फिजिकल बॉडी की हेल्प से जाके ग्लास लिया या पानी की बोतल लिया और आपने पानी कंज्यूम किया। तो बेसिकली एक दूसरे को वो साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, ब्रेन माइंडसेट आपका साथ में रहता है, प्लस आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो साथ में है, और दोनों की ट्यूनिंग रहती है, जैसे हमने अभी बोला था, और वो दोनों ही एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं बिटवीन द टू। देयर इज अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आई टू द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द आई। वी कैन मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी इन 3 वेज इन टर्म्स ऑफ नीड्स, एक्टिविटीज एंड टाइप ऑफ दीज टू एंटिटीज। देखिए कैसे करते हैं हम, ये देखिए, ये पॉइंट्स की फॉर्म में है, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द नीड्स ऑफ आई से रेस्पेक्ट, जैसे ये अभी रेस्पेक्ट किसे चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्पेक्ट नहीं चाहिए एक्चुअली, जो आपका माइंडसेट है एक्चुअली, जो आपकी कोर वैल्यूज बन चुकी हैं, जहां पे जो मेंटल बीइंग है आपका, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट चाहिए आपको। कैन बी कॉल्ड एज हैप्पीनेस व्हाइल द नीड्स ऑफ बॉडी आर फिजिकल फैसिलिटीज। इतना मतलब जो आई की जितनी भी नीड होती हैं वो सब क्वालिटेटिव होती हैं, हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो भी बॉडी की नीड्स होती हैं वो फिजिकल फैसिलिटीज यानी सुविधा, लाइक जैसे फूड हुआ आपका, आपको वाटर चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए रहने के लिए, आपको मान लीजिए टेलीफोन चाहिए, आपको फोन सिस्टम चाहिए, ये सब चीजें क्या फिजिकल सुविधा में आती है। पर जो आई है वो मेंटल बीइंग है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, आपको वेलबींग रहना है, आपको हैप्पीनेस अंदर से फुलफिलमेंट की फीलिंग आनी चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर। तो ये क्वालिटेटिव होती है आई की नीड, और ये क्वांटिटेटिव होती है सुविधा जो आपकी इसकी होती है बॉडी। एक्टिविटीज ऑफ आई आर एक्टिविटीज, जैसे डिजायर, आपने कुछ आप सोचते हैं, कुछ थिंकिंग है आपकी, डिजायर मीन्स जो कुछ चाहते हैं आप, कुछ सेलेक्ट करते हैं आप, डिसीजन मेकिंग जिसे बोलते हैं, जबकि एक्टिविटीज ऑफ बॉडी जो होती हैं, जैसे ईटिंग हुआ, ब्रीथिंग हुआ, मूविंग हुआ, एक्सरसाइजिंग हुआ, आपका आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इनहेल करना है आपको, ब्रीदिंग मीन्स जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। मोड ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ आई इंक्लूड्स नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट। मतलब आई का क्या काम है ब्रेन का, वो पहले से ही बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, जो उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे नोइंग, जानना, एज्यूम करना। मान लीजिए कोई चीज है जो उसका पता नहीं है, तो एक हाइपोथेटिकली एजम्पशन आ जाती है, इमेजिनेशन हो जाती है बेसिकली, एज्यूमिंग मतलब इमेजिनेशन, वो कहां क्रिएट होती है, दिमाग में आपके। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, अभी आपकी आंखें आपकी बॉडी का पार्ट है, आपने किसी को देखा तो आपके ब्रेन ने वो रिकॉग्नाइज किया, दैट इज लॉयन, दैट इज टाइगर, दैट इज डियर, दैट इज एलिफेंट, काउ, डॉग, तो वो क्या है, किसने पहचाना, वो आपकी आंखों ने नहीं पहचाना, आंखों ने सिर्फ देखा, उसने सिग्नल भेजा ब्रेन को, जो आपका मेंटल बीइंग है, उसने रिकॉग्नाइज किया कि ये क्या। द फुलफिलमेंट डिपेंड्स ऑन रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन एजम्पशन, एंड एजम्पशन डिपेंड ऑन द नोइंग और नॉट नोइंग।
मतलब अभी ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, फुलफिलमेंट डिपेंड, जो फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट मीन्स कि फुलफिलमेंट हम बोल सकते हैं कि लाइक जो रियल हैप्पीनेस है, जो फीलिंग है कि अब कुछ नहीं चाहिए, दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्ट, मतलब इससे हर टाइप से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। फुलफिलमेंट जो है वही हमें चाहिए, वही मेंटल बींग के लिए चाहिए सबसे ज्यादा। डिपेंड्स ऑन रिकॉग्निशन, मतलब पहचानने पे डिपेंड करता है, और पहचानने किस पे डिपेंड करता है, रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन एजम्पशन, एजम्पशन जो हमारी एजम्पशन है, और एजम्पशन कैसे बनती है, नोइंग, जिस चीजों को हम जानते हैं उसके बेस पे हमारी एजम्पशन बनी है, या फिर जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं उन्हें हम हाइपोथेटिकली पढ़ा हुआ है खाली, हमने मान लीजिए बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हमने उसे एज्यूम कर लिया है जो हमारे बिलीव्स। मतलब अभी देखो इसे, द मोड ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ बॉडी इज ओनली रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, द मोड ऑफ इंट्रेक्शन ऑफ बॉडी इज, अब ये तो हमने आई की बात की ठीक है, लेकिन अब जो बॉडी है, बॉडी का इंट्रेक्शन सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है एंड फुलफिलिंग करना है, उसका ये सब नहीं एज्यूम करना, नोइंग, रिकॉग्निशन। सेल्फ इज ए कॉन्शियस एंटिटी एंड बॉडी इज ए मटेरियलिस्टिक एंटिटी, फिजियोकेमिकल इन नेचर। सेल्फ तो कॉन्शियस है, जो सोचता है, जो दिमाग लगाता है, जो रियल हैप्पीनेस, रियल कोर वैल्यूज, रियल रियल फुलफिलमेंट को एक्चुअली सेंस करता है और एक पर्पस प्रोवाइड करता है, वायर एज बॉडी इज ए मटीरियल एंटिटी जिसका बेसिक जो मोटिव है सिर्फ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, या फिर उसका मटेरियलिस्टिक एंटिटी है, जैसे हमारी बॉडी है मटेरियलिस्टिक एंटिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इस फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, उन्होंने बोला कि आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब क्या हुआ, सेल्फ प्लस बॉडी दोनों होता है, तो सेल्फ क्या करता है, ये सेल्फ और बॉडी दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ ही एग्जिस्ट करती हैं। ओके, अभी इससे इंफॉर्मेशन इधर पास होगी देखिए, और बॉडी से इंफॉर्मेशन इधर पास होती है, दोनों ही एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करते हैं। जैसे आपको बोलना कि ग्लास लेके आओ पानी का, मान लीजिए, तो ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, बॉडी मूव करेगी, ग्लास उठाएगी, आप लेके आएगी, समझ में। बॉडी आपकी टायर हो चुकी है मान लीजिए एक्सरसाइज करने के बाद, तो अब बॉडी ने सिग्नल दिया ब्रेन को कि टायर हो गए, अब हम ये एक्सरसाइज, ये मूवमेंट या ये काम हम बंद कर देते हैं, वी नीड सम रेस्ट, समझे। तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है, द कॉन्शियस एंटिटी दैट डिजायर्स, थिंक, इमेजिन, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, इसे हम बोलते हैं सेल्फ। इसका ये काम है जिसमें आप इमेजिनेशन भी करते हो, इच्छाएं भी रखते हो, डिजायर, थिंकिंग प्रोसेस चलता है, क्या आप पहले से इन्फॉर्मेशन को जानते हो, क्या एज्यूम करते हो, क्या आप वैल्यूज जो आपके बिलीफ है उन्हें देखते हो, तो ये आता है सेल्फ में। बॉडी एक मटेरियल एंटिटी है जो फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज, जैसे हार्ट बीट है आपका, हार्ट बीट कहाँ होता है, फिजिकल बॉडी में, उससे सिग्नल कहाँ मिल रहा है, ब्रेन को, कि मेरा हार्ट चल रहा है, मूव कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू एंटायरिटी डिस्टिंक्ट एंटिटीज, टू एंटायरिटी डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग दो चीजों से मिलकर बना है, एक सेल्फ से और एक बॉडी से, दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं और दोनों की हेल्प से ही जो ह्यूमन बीइंग है बेसिकली उसका आगे मतलब चलता है। नेमली सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मीन्स की फीलिंग, आई सेल्फ, आई एंड मटीरियल बॉडी, their needs and activities are quite different and have to be understood accordingly, but these two constituents of human being are to act in close synergy with each other, मतलब एक दूसरे के साथ एक हार्मनी, एक सामंजस्य, एक तालमेल, उन्हें बैलेंस बना के ही चलना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड ऑफ द सेल्फ एंड नीड ऑफ द बॉडी। देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअल में देखा जाए कि नीड्स ऑफ द सेल्फ क्या होती है, ये क्वालिटेटिव हमने बोला था, क्वालिटेटिव होती है, और ये आपकी नीड्स ऑफ द बॉडी क्वांटिटेटिव होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1819 में, ये सेम है, फिर से हम इसे दोबारा देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन नीड ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, कैन इट बी फुलफिल्ड इंटरचेंजेबली, वेरीफाई ऑन योरसेल्फ व्हाट इज राइट प्रायोरिटी। अभी देखिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, ये कोएग्जिस्ट करते हैं हमें अभी अधिक हमने कोएग्जिस्ट करते हैं, एंड देर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू, वी कैन मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड बॉडी इन टर्म्स ऑफ नीड्स दैट एज गिवन बिलो। नीड्स ऑफ द बॉडी हम देखेंगे अलग से, और नीड्स ऑफ द आपकी सेल्फ भी हम देखने वाले। नीड्स ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिशन, बॉडी क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है हमारी, न्यूट्रिशन हमें चाहिए, हमें प्रॉपर नॉरिशमेंट के लिए एक बैलेंस डाइट चाहिए, ये क्वांटिटी वाला, पूरा क्वांटिटी के बेस पे चलेगा, ये हमारा क्वांटिटेटिव होता है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है हमें, ताकि हमारा बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा अगेंस्ट द इम्यूनिटी, एक अच्छी इम्यूनिटी जनरेट कर सके और एक गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। थर्ड पॉइंट है रेस्ट एंड स्लीप, आपको रेस्ट एंड स्लीप की रिक्वायरमेंट है बॉडी को,
ये फिजिकल बॉडी की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन मींस की वाटर की रिक्वायरमेंट है, अगर वाटर प्रॉपर नहीं लोगे तो इट मे क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, मेडिकल केयर की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अब ये थी फिजिकल बॉडी की रिक्वायरमेंट, हम बात करते हैं नीड्स ऑफ द सेल्फ, माइंड इमोशन आइडेंटिटी, जो हमारा माइंड है बेसिकली, सेल्फ मतलब आई, माइंड सेट है जो हमारा मेंटल बींग है, उसकी हम बात करते हैं। सोशल कनेक्शन, उसे चाहिए सोशल कनेक्शन, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे से हो, इमोशनली वेलबींग होना चाहिए, इमोशनल एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द इमोशंस कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटल हेल्थ, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस टाइप का इंसान हूं, मेरे कैसे रिलेशनशिप दूसरों के साथ रहने चाहिए। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअल यू नो एंगेजिंग इन एक्टिविटीज विद दैट स्टिमुलेट द माइंड सच एज लर्निंग और परसुइंग हॉबीज इज इंपॉर्टेंट, जैसे आप सुडोकू को सॉल्व कर रहे हो, आप पजल सॉल्व कर रहे हो, आप इस टाइप के गेम चेस खेल रहे हो, आप इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जो इंटेलेक्चुअली इसका बेसिकली ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज, स्टिमुलेट द माइंड जो ब्रेन को स्टिमुलेट करे। पर्पस एंड मीनिंग, हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल फुलफिलमेंट, ये बोर्ड इसकी सेल्फ की, हमारा जो माइंड है ब्रेन है उसकी क्या है, नीड है, सोशल कनेक्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्पस ऑफ मीनिंग। चलिए अभी इसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया था, सेम में एक ईयर में आया था, उसमें पूछा गया था कैन इट बी फुलफिल्ड इंटरचेंजेबली, नो, सिंपल आंसर है नो। कैसे पॉसिबल है, फिजिकल नीड क्वांटिटेटिव इन नेचर है जो सिर्फ क्वांटिटी की फॉर्म में आपको लेनी है जस्ट फॉर द सर्वाइवल, पर मेंटल बीइंग जो है आपका सेल्फ है जो आई है उनका क्या मोटिव है, उसका मोटिव है कि रियल सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, पर्पस ऑफ लाइफ, कोर वैल्यूज, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, इस चीज को जनरेट करना। फिर ये अगर आपने इंटरचेंज कर लिया इट मींस कि इट्स नॉट गोइंग, ये वही चीज होगी जिसे सुख एंड सुविधा को आपने कंफ्यूज कर दिया तो ये बहुत गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। दे आर नॉट एंटायरली इंटरचेंजेबल, इमेजिन हैविंग ए हेल्दी बॉडी बट फीलिंग इमोशनली अनफुलफिल्ड, मतलब आपकी एक हेल्दी बॉडी है, अच्छा हेल्दी, पर आप मेंटली हेल्दी नहीं, आप इमोशनली अनफुलफिल्ड है, तो ये पूरा का पूरा गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। इट्स लाइक हैविंग ए वेल ऑइल्ड मशीन योर बॉडी बट नॉट एंजॉयिंग द जर्नी, मतलब अब अगर सेल्फ जो आपका आई है वो आपको उसकी तो क्वांटिटी वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने क्या किया कि आप हेल्दी बॉडी तो ले रहे हो पर अंदर से आप खुश नहीं, फिर दैट विल बी अ बैड चॉइस एक्चुअली। तो इट मींस कि इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड इंटरचेंजेबली, वेरीफाई ऑन योर सेल्फ व्हाट इज राइट प्रायोरिटी। देखिए राइट प्रायोरिटी क्या, सिंपल जो बैलेंस है, प्रॉपर बैलेंस है वही राइट प्रायोरिटी है। ऐसे नहीं आप कर सकते कि फिजिकल नीड्स को तो आप फुलफिल कर रहे हो पर मेंटल नीड्स को जो आपकी सेल्फ की नीड है उसे फुलफिल नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। सेम अगर आप फिजिकल बॉडी की नीड्स को पूरी नहीं कर रहे हो और मेंटल की कर रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। जैसे न्यूट्रिशन आपको चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए आपको, टेम्परेचर रेगुलेट अपने बॉडी का चाहिए आपको, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बॉडी आपकी खराब हो जाएगी तो मेंटल बींग भी आपका क्या करेगा। तो इट मीन्स की बोथ एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल एंड फाइंडिंग द राइट प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल वैल्यूज। जनरली इट शुड बी लाइक नर्चरिंग बोथ द सेल्फ एंड बॉडी टू अचीव ए वेल राउंडेड सेंस ऑफ हेल्पिंग, मतलब आपको फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखना है, उसका भी प्रॉपर जो नीड है उसे उसे उसकी भी नीड्स को फुलफिल करना है और जो आपकी सेल्फ है आई है उसकी नीड्स को भी फुलफिल करना है। लेट्स सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव बोलते हैं कि डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी, एक्सप्लेन बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एंड से आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सिलेबस में भी मेंशन है, सेम बॉडी इज बॉडी एक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, और ये डायरेक्टली एकेटिव के परस्पेक्टिव से भी है क्योंकि ये इस पूरी यूनिट में एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटी आई की और बॉडी की अलग अलग, सेल्फ आई मीन सेल्फ, सेल्फ की क्या एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी की क्या एक्टिविटीज होती हैं, और बॉडी जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई काम करता है। सेम 1819 में आया डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द सेल्फ, गोइंग ऑन इन द बॉडी, मतलब सेल्फ में क्या क्या एक्टिविटी चलती है, क्या होता है, और बॉडी में क्या होता है, एंड इन्वॉल्विंग बोथ द सेल्फ एंड इतना, और दोनों की मिला के कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। दो गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, चलिए एग्जांपल भी देंगे। माइंड की एक्टिविटीज क्या क्या होंगी बताइए। माइंड की एक्टिविटीज मीन्स कि जिससे ऐसी एक्टिविटी हो जो माइंड को स्टिमुलेट करे, जो माइंड को बेसिकली इन्वॉल्व करे, माइंड उसमें पूरी तरह से लगे। जैसे रीडिंग, आप रीड करते हो तो क्या करते हो, फिजिकल बॉडी तो ठीक है आपका लिप रीडिंग चल रहा है, आपका लिप्स भी मूव कर रहा है, आंखें देख रही हैं, लेकिन आपकी पूरी जो अंडरस्टैंडिंग और जो पूरा फोकस बन रहा है दैट इज गोइंग थ्रू योर माइंड ओनली, स्टिमुलेटिंग द माइंड थ्रू लिटरेचर वेदर इट्स फिक्शन और नॉन फिक्शन और पोएट्री। मेडिटेशन करते हैं, एवरीबडी नो इज वेल अवेयर अबाउट मेडिटेशन, आप प्रेजेंट मोमेंट में आप आराम से आंखें बंद करके या ओपन करके बैठ जाते हैं और आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, ब्रेन के थ्रू पूरी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, प्रेजेंट मोमेंट को देखते हो।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, जैसे पजल हुआ, आप कुछ सुडोकू गेम खेल रहे हो, आप चेस खेल रहे हो, आप कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपका, जैसे रूबी क्यूब सॉल्व करना, इसमें आपका पूरा पूरा ब्रेन पूरा चैलेंज करते हैं आप माइंड को अपने और काम करते हैं। लर्निंग, आप कोई भी नई स्किल या नॉलेज एरिया, कोई भी नॉलेज इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका हो, उसमें आप नई स्किल सीख रहे हैं बेसिकली, तो उस पर भी आपको फोकस देना पड़ेगा, माइंड को एंगेज करना पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी में लगाना पड़ेगा। क्रिएटिव एक्सप्रेशन मीन्स कि जैसे राइटिंग, ड्रॉइंग बना रहे हो आप, पेंटिंग बना रहे हो आप, किसी भी फॉर्म में बना रहे हो, तो आपको ब्रेन को, माइंड को डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दीज आर दी बेसिक एक्टिविटीज ऑफ बेसिकली माइंड। फिर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी क्या होती है आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इसकी एक्टिविटी है, बॉडी की एक्टिविटी। आप ईटिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी बॉडी से खा रहे हैं, रेस्ट और स्लीप कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, आप बेसिकली पहाड़ों पे जा रहे हैं, आप हिल स्टेशन की मूव कर रहे हैं। हाइड्रेशन मीन्स कि आप पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग सफिशियंट वाटर थ्रू आउट द डे टू सपोर्ट द बॉडी फंक्शन। अब कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है जो दोनों में आती है, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जिसमें दोनों का होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, माइंड एंड बॉडी दोनों का। डांसिंग, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल मूवमेंट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसमें क्या है कि आप डांस तो कर रहे हो, फिजिकल मूवमेंट की हेल्प से डांस कर रहे हो, बट अलोंग विद यू आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट बाय यूजिंग योर ब्रेन, जो माइंड है आपका। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, प्रमोटिंग बोथ फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। माइंडफुल वॉकिंग मीन्स आप वॉक कर रहे हो तो किसकी हेल्प से कर रहे हो, वॉक कर रहे हो तो ये आपका फिजिकल नीड आ गई बॉडी की, लेकिन जो अवेयरनेस, आप चीजों को ऑब्जर्व भी कर रहे हो आसपास, आप देख रहे हो कि आप चल रहे हो, माइंडफुल, इसलिए हमने बोला माइंडफुल वॉकिंग, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप वॉक करते करते, फिजिकल एक्टिविटी करते करते आप अवेयरनेस के साथ ये काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज। योगा, योगा जब आप करते हो, फिजिकल पोस्चर है नो डाउट, उसमें आप ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हो, और मेडिटेशन फॉर ओवरऑल वेलबींग मींस आप अगर फिजिकल पोस्चर को चेंज कर रहे हो योगा में, बट अलोंग विद इट यू आर यूजिंग दैट ब्रेथ कंट्रोल, मतलब जो आप मेडिटेशन में करते हो, ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, इस टाइप से आप कर रहे हो, आपने उसे कॉम्बिनेशन बना दिया योगा का, फिजिकल पोस्चर एज वेल एज मेडिटेशन, दैट्स व्हाई इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। टीम स्पोर्ट्स, जैसे किसी स्पोर्ट्स में आप काम कर रहे हो, फिजिकल फिटनेस आप क्या कर रहे हो, जैसे किसी स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आप कोई भी खेलते हो, उसमें सोचना भी पड़ेगा, डिसीजन भी लेने पड़ेंगे आपको, केवल खेलना ही, खेलने से तो आपकी फिजिकल फिटनेस हो रहा है, वो बॉडी की नीड्स, आप बॉडी पे फोकस कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप डिसीजन ले रहे हो अब क्या करना चाहिए, आप ब्रेन को एंगेज कर रहे हो, तो ऑल टाइप ऑफ टीम स्पोर्ट्स कम्स अंडर बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बोलता है कि आपका बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। अब देखिए, इस पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, आई मतलब क्या है, माइंड है हमारा, जो ब्रेन है हमारा, जो माइंडसेट है, मेंटल बीइंग है, उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक असिस्टेंट की तरह काम करता है, आप समझे। तो हम बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ मींस अवर द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई मींस हमारा जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो इंटीग्रल टू अवर आइडेंटिटी एंड द वे वी एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस अवर सेल्फ इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो हमारा जो बॉडी है बेसिकली वो आई के अकॉर्डिंग उसके साथ रिदम में काम करता है। द फिजिकल बॉडी सर्व्स एज ए टूल और ए व्हीकल फॉर द एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द थॉट्स, इंटेंशंस एंड एक्शन। मतलब आपने आई, ब्रेन, माइंडसेट के थ्रू कुछ सोचा, कुछ आपके इंटेंशन है, कुछ आपको करने का मन है, आपने कुछ सोचा, पर आप कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी। तो इसलिए हमने बोला बॉडी आपका इंस्ट्रूमेंट है, आपको कुछ काम कराना है, आपने सोचा कुछ करना है, तो आप करेंगे कैसे, बॉडी की हेल्प से करने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। आई रिप्रेजेंट्स द माइंड, थॉट्स, कॉन्शियसनेस और द सेल्फ। आई तो हमारा ये होता है माइंड, थॉट, कॉन्शियसनेस और सेल्फ। बॉडी क्या होती है, जो फिजिकल बॉडी है, जो हम सोच रहे हैं, थॉट्स, हमने कुछ करना है, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, बॉडी की हेल्प से करेंगे। माइंड बॉडी कनेक्शन, द माइंड एंड बॉडी आर कंसिडर्ड इंटरकनेक्टेड एंड चेंजेस इन वन कैन अफेक्ट द अदर। एक में अगर चेंज होता है तो दूसरे को अफेक्ट करेगा। जैसे इमोशनल स्टेट्स कैन मैनिफेस्ट फिजिकली एंड फिजिकल वेलबींग कैन इन्फ्लुएंस मेंटली। मतलब इसका सिंपल मतलब है, ये तो आप लिखा है यहाँ पे, सिंपल है, आपने कुछ सोचा, आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत अच्छी है, आप पॉजिटिव वाइब्स के साथ जा रहे हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी भी ऐसे ही रिएक्ट करने वाली है, समझ गए। आपकी फिजिकल बॉडी को हर्ट हुआ, आपको चोट लगी, तो आपका मेंटल जो माइंडसेट होगा उस पर भी एक हर्ट जाएगी, इनडायरेक्टली सिग्नल जाएगा कि मैं, मेरे को चोट लगी या आई एम वेरी हर्ट बेसिकली, ठीक है। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन चलता है। एक्सप्रेशन द सेल्फ, द एक्सप्रेसिंग द सेल्फ, द बॉडी इज ए मींस थ्रू विच इंडिविजुअल एक्सप्रेस। मतलब मेरे मन में कुछ चल रहा है, कैसे पता चलेगा मेरे मन में कुछ चल रहा है, तो अपने आपको एक्सप्रेस करने के लिए आपने मेंटल माइंडसेट में सोच लिया, आप कुछ सोच रहे हैं कि ये ऐसे करना है या वैसे करना है, कि मेरे को ऐसे बिहेव करना है, या मेरे को वो कैसे दिखाएंगे आप, विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी ओनली। तो आप अपने आपको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, आई अपने आपको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी। दिस कैन इंक्लूड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। जैसे आपने मन में सोचा कि ये कितना बुरा है, तो आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बताएंगे कि कितना बुरा है या कितना अच्छा है, या बोल के बोलेंगे। मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन, सम फिलोसफिकल एंड थेरापियोटिक अप्रोचेस सच एज डांस थेरेपी और सर्टेन माइंडफुल प्रैक्टिस सच एज। मतलब
ये क्या मतलब हुआ इसका मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन का? हमने भी डांस की बात की थी, डांस में हम लोग क्या करते हैं, डांस हम फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन आप अगर देखेंगे, अगर आप उसमें कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइंड को एंगेज कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम योर, मतलब आपने ब्रेन से कुछ सोचा है कि मुझे ये वाले स्टेप इस टाइप से करने हैं, आपको मूवमेंट कोई थेरेपी हो रही है, आपका आपका लेग्स को ऐसे मूव करना है, आपको अपनी बैक को ऐसे मूव करना है, वो सब मूवमेंट जो है और एक्सप्रेशन उसके साथ में, वो माइंड उसे इंस्ट्रक्ट करता है, तो बॉडी अकॉर्डिंगली काम करती है। थेरेपी कैन सर्टेन माइंडफुल प्रैक्टिस फोकस ऑन यूजिंग द बॉडी एज वीकर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन हीलिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, देखिए एंड लिमिटेशंस, डिसेबिलिटीज, इलनेस एंड फिजिकल लिमिटेशंस कैन ऑल्सो शेप वन सेंस ऑफ सेल्फ, एडप्टिंग टू दीज चैलेंजेस इन्वॉल्व रीनेगोशिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी। मतलब देखिए क्या, डिसेबिलिटीज या इलनेस या फिजिकल कोई लिमिटेशन है आपकी, मान लीजिए वो फिजिकल बॉडी में है, कोई डिसेबिलिटी है आपके, मान लीजिए किसी के लेग्स में प्रॉब्लम है, आईज में प्रॉब्लम है, हैंड्स में प्रॉब्लम है, या कोई इलनेस है, वो सिग्नल देगा किसे, सेल्फ को। अब सेल्फ को सिग्नल देगा तो अब सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन ही डिसीजन ले पाएगा। अब सेल्फ खुद से नहीं सोच पाएगा ना, आई आई इज माइंड, माइंड अगर आप बिल्कुल फुली फिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑलरेडी अनलिमिटेड है, आपकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, तो आई अब लिमिटेड हो गया है, तो वो क्या करेगा, जो कुछ चैलेंजेस है उसे अडॉप्ट करके, उसे एक्सेप्ट करके और लिमिटेशन के हिसाब से ही वो आगे अपना प्रोसेस करेगा। एडेप्टिंग टू दीज चैलेंजेस इन्वॉल्व्स अ रीनेगोशिएशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी। मतलब अगर कोई चैलेंजेस है, मान लीजिए बोला कि कोई डिसेबिलिटी है या इलनेस है, तो आई अब उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा भी क्या करना चाहिए। अब वो ऐसे नहीं इंस्ट्रक्शन दे सकता बॉडी को कि अब मेरे को रनिंग करनी है, जबकि पता है कि पैर में प्रॉब्लम है, तो रनिंग तो हो नहीं सकती है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली वो रीनेगोशिएट करके अब आगे डिसीजन लेगा। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई एम्फेसाइजेस द इंट्रिकेट कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द फिजिकल सेल्फ, इट अंडरस्कोर्स द आइडिया दैट अवर थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस फाइंड एक्सप्रेशन एंड रियलाइजिंग थ्रू द मीडियम ऑफ अवर फिजिकल। मतलब यहां पे देखिए, अवर थॉट्स एंड कॉन्शियसनेस, जो हम माइंड की बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं, या आई फाइंड द एक्सप्रेशन एंड रियलाइजेशन, और वो कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर फिजिकल बॉडीज। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया है सेकंड यूनिट का, सिमिलरली वी विल कंटिन्यू पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड, इसी टाइप से क्वेश्चंस के थ्रू, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके थ्रू हम एक एक करके सारे आंसर्स देखने वाले हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारा सारा कॉन्सेप्ट, सारे हमारा टॉपिक और सिलेबस कवर होने वाला है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।